भारत के अलग अलग राज्यों में मौजूद सुसाइड पॉइंट्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन देश में एक ऐसी भी जगह है जहां हर साल हजारों की संख्या में पंछी सुसाइड करते हैं। इस रहस्यमय वैली का नाम है जतिंगा, जो असम के दक्षिण हिस्से में स्थित है। यहां पंछियों के सुसाइड करने का रहस्य लोगों और वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली बना हुआ है। आज हम इस रहस्यमय वैली को एक्सप्लोर करेंगे। साउथ असम के दिमाहासो की पहाड़ी घाटी में स्थित जतिंगा वैली एक ऐसा गांव है जो अपनी नेचुरल अवस्था के चलते साल में करीब 9 महीने तक बाहरी दुनिया से अलग रहता है। एक्चुअली यहां आकर पंछी सुसाइड यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं। गांव में पंछियों द्वारा सुसाइड किए जाने की घटनाएं ज्यादातर शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक होती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये पंछी यहाँ झुंड में सुसाइड करते हैं। इनमें स्थानीय और प्रवासी पंछियों की लगभग 44 प्रजातियां शामिल होती है, जिनमें टाइगर बिटरंस, ब्लैक बिटरंस, पॉन्ड हेरन, इंडियन पीटा और किंगफिशर जैसी प्रजाति पंछी शामिल होते हैं। कुछ रिसर्चर्स यह बताते हैं कि तेज बारिश होने के चलते पंछी पूरी तरह से गीले हो चुके होते हैं। ऐसे में जब वो उड़ने की कोशिश करते हैं तो नेचुरल रूप से उनके उड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। और यहाँ पे बांस के बेहद घने और कटीले जंगल भी है, जिसकी वजह से गहरी धुंध और अंधेरी रातों के दौरान पंछी इनसे टकराकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर एक्सीडेंट देर शाम होती है, क्योंकि उस समय पंछी झुंड में अपने घरों की ओर लौट रहे होते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस घटना के पीछे भूत प्रेत और आत्माओं का हाथ है, एक ऐसा पैरानॉर्मल शक्ति जो पंछियों को अपनी ओर खींचती है। देश विदेशों के कई वैज्ञानिक इस घटना पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन आज तक ये सुसाइड पॉइंट्स अनसॉल्वड मिस्ट्री में से एक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके।